hello students in this session we will be taking up some questions that have appeared in logical reasoning section of snap examination in previous years which are based in mathematics hai start karte questions ko. first question lete hai. the first question is 21 boys turn out for an ncc parade out of these 21 19 are wearing ncc caps and 11 are wearing ncc shoes there are no boys without one or the other how many boys are wearing the full uniform यानी कि मिनिमम या तो कम से कम कैप पहना होगा या शू पहना होगा ऐसा कोई नहीं है जिसने कि कुछ भी ना पहना हो दोनों में से ठीक है सो so क्वेश्चन पूछ रहा so caps, shoes, है हाउ मेनी बॉयज आर वियरिंग द फुल यूनिफॉर्म तो बेसिकली नाइनटीन आर वियरिंग कैप्स इलेवन शूज और टोटल ट्वेंटी वन है ट्वेंटी वन बॉयज टोटल है अगर हम सेट्स ड्रॉ करें इनके तो 19 ने कैप्स पहना हुआ है टोटल ट्वेंटी दो ऐसे हैं जिन्होंने कैप्स नहीं पहना हुआ है तो, तो नाइन होगा हमारा बोथ वाला केस नाइन होगा बोथ वाला केस आंसर विल बी ऑप्शन सी क्लियर है या फिर इसको ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते थे कि टोटल हमारा ट्वेंटी वन है नाइनटीन ने कैप्स पहने इलेवन में शूज पहने है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जिन्होंने कैप्स और शूज दोनों पहने होंगे यानी कि फुल यूनिफॉर्म पहना होगा वो दो बार ऐड हो जाएंगे सो so? और इसमें से अगर हम 21 को कर दें तो भी हमें आंसर मिल जाएगा दैट बी इक्वल टू बिकॉज एक बार हमने सब कर दिया तो जो बच गया दैट इज अवर आंसर ऑप्शन सी क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ शूटिंग इन अ शाउटिंग गेम रोहित एंड शिव रिस्पॉन्डेड इन द प्रपोर्शन ऑफ राम एंड श्याम शाउटिंग टेबल एंड आंसर अकॉर्डिंगली वट विल बी कमिंग एट द्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क सो शाउटिंग गेम में रोहित और शिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन द प्रपोर्शन ऑफ राम एंड शाम ऑब्जर्व करें नाइन एम पे तो राम ने चार बार शाउट किया, और और किया है और रोहित और शिव का रेशियो भी सेवन एस टू सेवन का ही है, seven seven. और तो six, का है और रोहित और शिव का रेशियो भी का है

तो जो भी गेम को लूज किया ही गेव द अदर पर्सन अ चॉकलेट एंड आफ्टर द लास्ट गेम वेन दे काउंटेड चॉकलेट्स आई द पर्सन हु इज स्टेटिंग दिस क्वेश्चन हैड मोर चॉकलेट्स देन ही स्टार्टेड विद बट ही ऑल्सो न्यू दैट द अदर पर्सन हिज ब्रदर वॉन वॉन गेम्स सो इफ हिज ब्रदर गेम्स यानी कि ये बंदा सेवन लूज किया होगा सेवन ये लूज किया होगा it so? तो अगर तो इसके पास नेट में ट्वेंटी ज्यादा है जबकि ये सेवन गेम्स लूज किया है

जबकि सेवन गेम्स उसके ब्रदर ने लूज किए है उसके ब्रदर ने जीते हैं यानी कि इसने सेवन गेम्स तो लूज किए हैं तो सेवन गेम्स जब होंगे तो सेवन चॉकलेट्स भी होंगी और नेट में ट्वेंटी आ रहा है यानी चॉकलेट्स मिली होंगी तो प्लस ट्वेंटी सेवन माइनस सेवन एन ट्वेंटी सेवन प्लस सेवन टोटल थर्टी फोर गेम्स होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज देयर बिकॉज लास्ट लाइन ये जो लाइन गिवन है देयर इज नो ड्रॉ ये इंपॉर्टेंट है अगर ये नहीं गिवन होता कि कोई भी ड्रॉ नहीं है वी डू नॉट नो कि ड्रॉ है या नहीं है या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन हो तो हमें उसके लिए भी कॉशियस रहना है ठीक है उस केस में सर कोई भी लेन देन नहीं होता अगर ड्रॉ हो जाता तो कटाई हो जाता तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ क्लास ऑफ फिफ्टी स्टूडेंट्स ट्वेंटी थ्री स्पीक इंग्लिश फिफ्टीन स्पीक हिंदी एटीन स्पीक पंजाबी थ्री स्पीक ओनली इंग्लिश एंड हिंदी सिक्स स्पीक ओनली हिंदी एंड पंजाबी सिक्स स्पीक ओनली इंग्लिश एंड पंजाबी एंड सो ऑन सो इफ नाइन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक ऑल द थ्री लैंग्वेजेस सो बेसिकली दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ वेन डायग्राम इंग्लिश हिंदी एंड पंजाबी टोटल फिफ्टी है इंग्लिश वाले ट्वेंटी थ्री है हिंदी वाले हैं एंड एटीन फॉर पंजाबी थ्री स्पीक ओनली इंग्लिश एंड हिंदी ओनली इंग्लिश एंड हिंदी है तो यहां पे मैंशन करेंगे अगर इंग्लिश एंड हिंदी होता है तो फिर बाहर मैंशन करते हैं डायग्राम का सेशन आपने नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा ठीक है सो थ्री आएगा यहाँ पे सिक्स स्पीक ओनली हिंदी एंड पंजाबी तो सिक्स विल भी दिया सिक्स स्पीक ओनली इंग्लिश एंड पंजाबी सिक्स विल भी इफ नाइन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश यानी कि दिस इज नाइन सो नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व प्लस सेवन सिक्स एटीन यानी कि फाइव आ जाएगा हमारा ऑल द थ्री में ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विजय ग्रांड फादर हैज एन ओल्ड कुकू क्लॉक कुकू 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 जैसे वो क्लॉक थी न, थी ना टाइम बजाती तो उसके बारे में बात कर रहा है कि विजय ग्रांड फादर हैज एन ओल्ड कुकू क्लॉक इट टेक्स फाइव कुकू क्लॉक टू चाइम फाइव कुकूज हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू चाइम टेन कुकूज फाइव कुकूज में फाइव सेकेंड लग रहे हैं विच इंप्लाइज कि स्टार्ट करती है कुकू से तो देट सी साउंड स्टार्ट एट जीरो ब्रीफ पॉज फिर उसके बाद में कुकू देन पॉज पॉज देन 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 कुकू कुकू एंड अगेन पॉज एंड कुकू टोटल फाइव कुकूज में टाइम कितना लग रहा है फाइव सेकंड का जीरो सेकंड पे फर्स्ट कुकू 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 एंड तो समझ गए तो बेसिकली क्या है यहां पे फोर पॉजेज

120 eggs, 120 eggs. So, 120 eggs are there on the 1st of April. Out of 120, 50% are male, 50% are female. So, 50% male, 60 eggs are, 60 male and 60 female. Now, in 20 more days, the female insect hatch and grow in a span of 20 days to lay eggs by themselves. So, 20 more days, by 21st April, these 60 females will also hatch eggs. ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल को सिक्सटी इंटू सिक्स कितने हो जाएंगे uh, 60 ये जो फीमेल है यह वन ट्वेंटी एग्ज करेगी इच वन ट्वेंटी सिक्सटी विल बी फीमेल एग्स एंड सिक्स एग्स विल भी सिक्सटी का स्क्वायर फीमेल एग्स एंड सिक्सटी का स्क्वायर मेल एग्स फर्स्ट अप्रैल से भी ट्वेंटी डेज बाद में क्या डेट आएगा अपना बी अप्रैल में थर्टी है तो दिस विल बी इलेवेंथ ऑफ मे इलेवेंथ ऑफ मे को दिज सिक्सटी का स्क्वायर फीमेल्स विल हैच हाउ मेनी सिक्सटी का क्यूब फीमेल एग्स एंड सिक्सटी का क्यूब मेल एग्सपरेट एज ऑनली फीमेल्स विल बी है लास्ट बट नॉट एन लीस्ट 20 डेज बाद में 31st मई को दी 62Q फीमेल्स विल हैच 62 टू द पार 4 फीमेल एग्स एंड 62 टू द पार 4 मेल एग्स क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी एग्स विल बी हैच्ड एप्रोक्सीमेटली बाय द एंड ऑफ मई 2018 टोटल कितना हो जाएगा ये 60 की पावर 4 इज 6 का पावर 4 इज 1296 तो 60 का पावर 4 हो जाएगा 129600 और इतने ही मेल्स भी है तो मल्टीप्लाई बाई टू यही वैल्यू अकेले हमारा आ जा रहा है टू फाइव नाइन टू थ्री टाइम्स जीरो और फिर इसके बाद में सॉरी फोर टाइम्स जीरो आएगा फोर जीरो आएंगे ओके यही वैल्यू आ जा रहा है फिर इनको भी ऐड करना पड़ेगा ये भी तो एक्स हैं है, है ठीक और दिस इज डिवाइड बाई सी दिस डिड बाई स टू वन सिक्स ट्रिपल जीरो दिस विल बी फोर थ्री टू ट्रिपल जीरो बिकॉज मल्टीप्लाई बाई टू करेंगे

कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा बिकॉज दिस इज ग्रेटर दैन टू फाइव नाइन टू फोर टाइम जीरो क्वेश्चन एंड ऑफ मे टू थाउजेंड एटीन आई बिलीव द काइंड ऑफ क्वेश्चन दिस इज ऑप्शन सी आंसर होगा ठीक है बिकॉज लास्ट में हमारे थर्टी फर्स्ट मे को टू फाइव नाइन टू फोर टाइम जीरो वैल्यू हमारा डी नहीं होगा हमें सम नहीं करना है सारी वैल्यू का लास्ट वाली वैल्यू को ही चेक करना है इस क्वेश्चन में सो आंसर विल विली ऑप्शन सी अप्रोच क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कैसे काउंट करेंगे क्या अप्रोच होगा ठीक है सो so दैट अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है तो हम आगे कैसे उसको नेक्स्ट क्वेश्चन 50 स्कूल वर आस्क्ड अबाउट 80 सेड दे लाइक धोनी दे लाइक ऑल ऑफ दम सारा इंफॉर्मेशन दिया है, वेन है. सिंपल वैंड डाइग्राम है इसमें कुछ करना नहीं है तो बस एक वैंड डायग्राम बना देते हैं बाकी तो आई गेस क्वेश्चन के लिए तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी सचिन सौरव एंड धोनी फाइव टोटल है फाइव हंड्रेड टोटल ने इंफॉर्मेशन दिया है जरूरी नहीं है कि ये जो यूनियन हो हमारा सचिन सौरभ धोनी का ये भी फाइव हंड्रेड के बराबर हो ठीक है कुछ ऐसे भी हो सकता है जो कि किसी को भी लाइक नहीं करते like, सौरभ like, like, तो फोर्टी हमारा सचिन सौरभ है ओनली सचिन एंड सौरभ नहीं है सो दिस बी थर्टी फिफ्टी लाइक सचिन एंड धोनी सो दिस एंड थर्टी लाइक सौरभ एंड धोनी

हाउ मेनी लाइक फ्यूअर देन टू क्रिकेटर्स यानी कि एग्जैक्टली exactly एक क्रिकेटर को लाइक करते हो या एक को भी लाइक नहीं करते हो ओके हाउ मेनी लाइक फ्यूअर देन टू क्रिकेटर्स यानी कि दीज वैल्यूज एंड दो लाइक नो क्रिकेटर तो यानी थ्री एट्टी तो किसी को भी लाइक नहीं करते प्लस और नहीं नहीं, नहीं ये जो बीच में हाँ ये पहले से मार है ओहो ओह, ओह, ये भी रिमूव हो गया ठीक है तो वैल्यू आ रहा है हमारा थ्री एटी प्लस ट्वेंटी विच इज फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड वुड भी हमारा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन ऑफ टिम्बक टू वॉज वन टू फाइव ट्रिपल जीरो टू इय एबो ड्यू टू नेचुरल कलेमिटीजार्ट माइग्रेटिंग सो पॉपुलेशन डिक्रीज एट द रेट ऑफ पर एनम हाउ मनी माइग्रेटेड फ्रॉम दिस टाउन इन पास्ट टू ई फोर परसेंट एनम का पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रहा है फोर परसेंट इज वॉट फ्रैक्शन में दिस इज वन बाई ट्वेंटी फाइव यानी कि ट्वेंटी फाइव में हर बार वन का डिक्रीज हो रहा है So? 25 में हर बारन का डिक्रीज हो रहा है तो बच कितनी रही बच रही बच है इनिशियल वैल्यू का और ऐसा दो बार हुआ है तो फाइनली दो साल के बाद में पॉपुलेशन बचेगी कितनी ट्वेंटी फाइव कि में कितने का डिक्रीज आएगा फोर्टी नाइन का डिक्रीज आया फोर्टी नाइन का डिक्रीज आया इट सो so? तो अगर 49 का डिक्रीज आया है 625 में और हमें क्या निकालना है हमें डिक्रीज ही तो निकालना है माइग्रेशन ही तो निकालना है सो

वन टू फाइव ट्रिपल जीरो है फिर हम पहले एक बार वन बाई ट्वेंटी फाइव निकालें इसका तो ट्वेंटी फाइव से काटा पीटी की है दिस वी फाइव थाउजेंड यानी कि पहले साल फाइव थाउजेंड लोग माइग्रेट करेंगे ठीक है अब इसके बाद में नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना है यह समझने की जरूरत है देखो नेक्स्ट ईयर जब हमें करना है अब हमारी पॉपुलेशन फाइव थाउजेंड से ऑलरेडी कम हो चुकी है है कि नहीं भाई फाइव थाउजेंड तो ऑलरेडी निकल चुके हैं तो अब पॉपुलेशन हो गया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड अब इसका वन बाई ट्वेंटी फाइव करेंगे और यह वैल्यू क्या आएगा ट्वेंटी फाइव से काटेंगे तो दिस इज भाई वन uh, ट्वेंटी को सेपरेट रह दो वन थाउजेंड है तो यह फोर्टी हो जाएगा तो वन ट्वेंटी जीरो टोटल जीरो ऐसे भी कर सकते हो ठीक है बट दिस अप्रोच इज मच बेटर बिकॉज टू की बजाय थ्री इयर्स होंगे फोर ईयर्स होंगे तो फिर यह अप्रोच से कितनी बार करोगे यह डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन अलेज लोकेटेड इन रिमोट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड

टेन थाउजेंड को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं बेसिकली हंड्रेड परसेंट में से फाइव परसेंट का सिर्फ एक ही लेग है और अगर एक ही लेग है तो एक ही लेग में शू पहनेंगे दूसरा तो लेग ही नहीं है ठीक है बाकी बचे हुए नाइनटी फाइव परसेंट में से फिफ्टी परसेंट विच इज फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट डू नॉट वेयर शूज तो उनको शूज चाहिए नहीं जीरो शूज चाहिए इनको वन शू ईच चाहिए और बचे हुए फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट के दोनों लेग्स हैं और वो शूज भी पहनते हैं तो यानी कि उनको दो शूज चाहिए होंगे हरेक को ठीक है तो इन फाइव परसेंट को हर एक को एक शूज चाहिए यानी कि फाइव शूज चाहिए होंगे और इन 47.5% सेवन पॉइंट फाइव परसेंट को दो शूज चाहिए होंगे यानी कि नाइनटी फाइव शूज चाहिए होंगे परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं और यहां पे तो वैल्यू जीरो आने वाला है यानी कि टोटल कितना आया फाइव प्लस नाइन्टी फाइव हंड्रेड परसेंट के लिए हंड्रेड परसेंट शूज हंड्रेड शूज चाहिए अगर वैल्यू हमारा हंड्रेड होता तो हंड्रेड के लिए हंड्रेड शूज चाहिए अब कोई भी वैल्यू और गिवन होता जो कि हंड्रेड का मल्टीपल है जो कि टेन थाउजेंड यहाँ पे गिवन है टेन थाउजेंड के लिए क्या होगा टेन थाउजेंड के लिए टेन थाउजेंड शूज चाहिए होंगे दैट इज ऑल

So, मतलब सिंगलिस इनिशियली so, क्या है दो दो प्लेयर्स match, होंगे तो फर्स्ट राउंड में राउंड वन में बिटवीन दीज थर्टी टू प्लेयर्स मैचेस थर्टी टू बाई टू यानी कि सिक्सटीन मैच होंगे देन राउंड टू में सिक्सटीन बाई टू एट मैचेस होंगे राउंड थ्री में एट बाई टू फोर मैचेस होंगे राउंड फोर में फोर बाई टू टू मैचेस होंगे सेमीफाइनल होगा बेसिकली सेमी होगा राउंड फोर और फाइनली राउंड फाइव में दो लोगों के बीच में एक मैच होगा यानी कि मैचेस कितने हुए सिक्सटीन प्लस एट प्लस फोर प्लस टू प्लस वन सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर प्लस सेवन 31 मैचेस होंगे इजंट इट सो क्या ये बात क्लियर है ठीक है आंसर हमारा 31 आ जाएगा बट ऐसे हमें इस क्वेश्चन को नहीं करना है कभी भी जब भी नॉकआउट टूर्नामेंट होगा नॉकआउट का मतलब क्या हुआ कि एक गेम हारा और प्लेयर बाहर हो गया ठीक है और एंड में विनर विल बी डिसाइडेड आउट ऑफ दिस 32 प्लेयर्स आउट ऑफ दिस 32 प्लेयर्स देयर विल बी ओनली वन विनर एंड रेस्ट 31 विल बी लूजर्स और लूजर क्या होंगे मैच हारेंगे और मैच हार के बाहर हो जाएंगे Isn't it so? तो अगर थर्टी वन हैं, तो थर्टी वन तो लोग ये हारेंगे Isn't it so? ठीक है, एक so, be एक गेम हारा बाहर, एक गेम हारा हारा बाहर, बाहर। तो बेसिकली किसी भी केस में अगर एन प्लेयर्स हैं और नॉकआउट टूर्नामेंट है सो तो एन माइनस वन होंगे उट एन माइनस वन प्लेयर्स क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री पेंडुलम्स ऑफ लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर थर्टी सेंटीमीटर एंड फोर्टी नाइन सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ऑफ देम विल मूव स्लोएस्ट अलग अलग पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है ठीक है तो एक तो देखो फॉर्मुला वाली बात होगी कि यहां पर हमें फॉर्मुला पता हो अगर कि टाइम पीरियड का फॉर्मुला होता क्या किसी भी पेंडुलम के लिए तो जो कि लेंथ से रिलेटेड है तो हमें पता चल जाएगा कौन सा स्लोवेस्ट मूव करेगा बट आई डोंट थिंक कि सिंस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग कि यहां पे हमें उस फॉर्मूले की ऐसे जरूरत है क्या हम आ, अपने लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा सबसे स्लो मूव करेगा देखो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए इसके बारे में कि हमें अप्रोच क्लियर नहीं है ठीक है या संभाव हमें लगता है कि फॉर्मला यूज होगा और फॉर्मला हमको याद नहीं है तो कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि क्या लॉजिक से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें क्या लोअर एक्सट्रीम देखो अपर एक्सट्रीम देखो लोअर एक्सट्रीम का मतलब क्या होगा कि किसी भी पेंडुलम की लेंथ अगर ऑलमोस्ट जीरो होगी तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा जब वो जब मूव करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा तो अगर आप पेंडुलम की लेंथ को घटाते जाओगे या झूला देखा होगा आपने बहुत सारी चीजें हैं जो सस्पेंड करके घूमती हैं तो आप ऑब्जर्व करो जैसे आपका लेंथ बहुत कम हो जाएगा तो वो ऑलमोस्ट बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देगा या ऑलमोस्ट उसका जो टाइम पीरियड है वो जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम से जाएगा फिर आएगा तो वो टाइम पीरियड तब बढ़ेगा जितना आप लेंथ को बढ़ाते जाओगे आप बहुत ज्यादा लेंथ कर दोगे तो वो टाइम पीरियड और बढ़ेगा जैसे झूले के बारे में बात किया कि आप सस्पेंड करोगे तो टाइम लेगा ये बट जब लेंथ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तो टाइम पीरियड जीरो हो जाएगा तो जीरो पे जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट जीरो पे ऑलमोस्ट जीरो होगा और जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा तो वो टाइम पीरियड बढ़ेगा हमारा किस रेशियो में बढ़ेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगा वैसे वैसे टाइम पीरियड हमारा बढ़ेगा इज दैट क्लियर ठीक है तो यानी कि स्लोएस्ट वो होगा जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी दैट्स ऑल इस क्वेश्चन का यही आंसर करना था ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्लियर है ठीक है

Even in this question, हमें फॉर्मुला नहीं लगाना है हमें सोल्व नहीं करना है आर के लिए हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि रेडिज दर्कल हु टर्क सेंटर ऑफ दिस स्मॉलर इक्वल और ग्रेटर डायग्राम बना लेते हैं ठीक है तो ये हमारा डायग्राम बन गया अब इसमें वी नो दिस इज आर दिस इज आर इक्वल ट्राइंगल है जो बन रहा है ठीक है अब अगर हम इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे इस पे पूरा ये थोड़ा सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है ठीक है बट समझ लो कि ये सर्कल ही है सेंटर बिल्कुल मिडिल में आ गया कहीं पे नो दिस इज अवर रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल और वी कैन ऑब्जर्व कि अगर ये राइट एंगल ट्रैंगल बन रहा है या ये ट्राइंगल बन रहा है ठीक है इस राइट एंगल ट्रैंगल में आर इज अवर बेस एंड कैपिटल आर स्मॉल आर हमारा बेस है और कैपिटल आर हाइप्रोट है तो डेफिनेटली विल बी ग्रेटर देन बेस तो कैपिटल आर विल बी ग्रेटर देन दैट्स ऑल ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा इज दैट क्लियर कितना ग्रेटर होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है सिर्फ और सिर्फ इतने पे हमें खत्म हो जाना है आगे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में इज काउंट द नंबर ऑफ देंगल्स इन द गिवन फिगर जब भी कभी नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स हमें फाइंड आउट करने हो फिगर थोड़ा हॉच पॉच हो तो कोशिश ये करना चाहिए कि सबसे पहले जो ट्राइंगल हमें स्ट्रेट अवे दिख रहे हैं वन यूनिट वाले ट्राइंगल यानी कि सिर्फ एक ट्राइंगल से बनने वाले ट्राइंगल पहले उनको काउंट करें देन टू यूनिट्स वाले ट्राइंगल दो ट्राइंगल से बनने वाले ट्राइंगल उनको काउंट करें एंड सो ऑन ऐसे आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमेशा काउंटिंग में अदरवाइज कई बार होगा कि अगर आप हैफ हजार्ड काउंट करोगे बिना किसी ऑर्डर के काउंट करोगे तो या तो मल्टीपल काउंटिंग कर लोगे या कोई ट्राइंगल आपका मिस हो जाएगा इस क्वेश्चन में क्या है सबसे पहले अगर हम सबसे छोटे ट्राइंगल से बात करें तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव एक ऑर्डर में हमने काउंट कर लिया इनको ठीक है नाउ वील काउंट दो ट्राइंगल्स विच आर मेड आउट ऑफ टू ट्राइंगल्स ठीक है सो so, नेक्स्ट है दिस इज सिक्स ट्राइंगल ठीक है अब इन दोनों से कोई ट्राइंगल बन नहीं रहा है टू और थ्री से देन विल बी सेवेंथ ट्राइंगल देन ट्राइंगल नंबर एट एंड देन ट्राइंगल नंबर नाइन तो टू टू से बनने वाले ट्रांगल्स भी काउंट हो गए अब थ्री ट्राइंगल से बनने वाले ट्राइंगल तो ट्राइंगल नंबर टेन वन टू थ्री से बनेगा ट्राइंगल नंबर इलेवन टू थ्री फोर से बनेगा थ्री फोर ओ फाइव से नहीं बन रहा है फोर फाइव ओ वन से भी नहीं बन रहा है ठीक है तो टोटल इलेवन ट्राइंगल्स बने हमारे थ्री ट्राइंगल से फोर ट्राइंगल से कोई ट्राइंगल नहीं बनने वाला है सो लास्ट बट नॉट लीस्ट लार्जेस्ट हमारा नंबर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज इट क्लियर ठीक है क्या ये अप्रोच समझ में आता है आई गेस आर ऑल द क्वेश्चन इन दिस सेशन एक सेकेंड हाँ आर ऑल द क्वेश्चन ठीक है तो so, सेशन आपको आई बिलीव समझ में आए होंगे क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस किए हैं पसंद आए होंगे अगर सॉल्यूशंस में कहीं पे डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट और अगर कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट अबाउट दैट यू कैन ऑलवेज गिव अ फीडबैक और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा दैट्स ऑल फॉर द सेशन फिर मिलता है अगले सेशन में बाय टेक केयर